जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं जितने भी मेरे पास ऑटो का है तो उन एक एक को मैं जो है इस वीडियो में रिव्यू करूँगा। तो अगर आपका ऑटो इस वीडियो में नहीं है और आपने ऑटो मेरे पास नहीं भेजा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके लिए ये वीडियो जरूरी नहीं है। जिन लोगों ने अपना ऑटो भेजा उन लोगों के लिए जितना ज़रूरी है यह वीडियो, उतना ही ज़रूरी आप लोगों के लिए भी ये वीडियो है। क्योंकि शायद ये भी हो सकता है आप जो मिस्टेक कर रहे हो, आप बिगनर्स हो, तो आप जो मिस्टेक अभी कर रहे हो सेम मिस्टेक इसमें से जो मुझे ऑटो जिन लोगों ने भेजा है उनका भी सेम मिस्टेक होगा। तो उनका वो मिस्टेक मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो उनको देख देख के आप भी जो अपना आपका जहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है आप भी उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ये लास्ट तक वीडियो को देखते रहना, कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बता देना। तो हम एक एक करके ऑटो को देखेंगे। तो सबसे पहले इस ऑटो को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मिस्टेक इम्प्रूव करना है तो यहाँ पे देखिए जितने भी ऑटोक्स आए हैं तो हर एक ऑटो तो जो है परफेक्ट तो हो नहीं सकता, कहीं ना कहीं जो है हमारा मिस्टेक तो होता है। पर इसमें जो है जितना भी ऑटो है किसी का ज़्यादा मिस्टेक्स है, किसी का इतना ज़्यादा भी मिस्टेक्स नहीं है, कहीं कहीं छोटा छोटा सा मिस्टेक तो होता ही है। तो वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और उसे आगे आई होप आप जो है आप लोग जो है इम्प्रूव करेंगे। तो इस ऑटो में आपको जो है इम्प्रूव करने के लिए वैसे तो छोटा बहुत मिस्टेक है ही। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहला मिस्टेक है डार्क शेडिंग में, जैसे हेयर्स में थोड़ा डार्क होना चाहिए था। और यहाँ पे फेस के ऊपर जो है यहाँ पे भी शेडिंग की कमी है, बिल्कुल आपने शेडिंग नहीं किया है। आँखों को जो है लिप्स को ड्रॉ करने के बाद साइड में कहीं पे शेडिंग नहीं हुआ है, तो शेडिंग में उसके बाद ब्लेंडिंग में इन सब में आपको इम्प्रूव करना है तो आपका स्किल जो है और इम्प्रूव होगा। तो हम इस ऑटो को देख लेते हैं। तो हर एक ऑटो में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक तो होता ही है, कोई ऑटो परफेक्ट नहीं हो सकता है। वैसे इतना बड़ा भी मिस्टेक नहीं है जो है आपको पहला मिस्टेक, तो ये है कि यहाँ पे आप जो है कहीं के जगह पे जहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट है तो वहाँ पे जो है हाईलाइटेड पार्ट में अगर स्मूथ ब्लेंडिंग आप करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो इसमें आपको ये तो मिस्टेक नहीं कर सकते, थोड़ा सा कमी रह गई तो इसमें आपको इम्प्रूव करना है। और कहीं की जगह पर डार्कनेस की कमी है और कहीं की जगह वो ज़्यादा डार्क हो गए हैं, तो और अगर ऑटो तो अच्छा ही है। तो अब हम इस ऑटो को देख लेते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑटो फेस काफ़ी क्यूट है। पर इसमें जो है आपको जो इम्प्रूव करना है, छोटा बहुत तो मिस्टेक तो होता ही है, तो इसमें जो है छोटा छोटा सा मिस्टेक्स है, थोड़ा सा बना ही कह सकते हैं इसमें मिस्टेक्स। तो वैसे तो ऑटो में आप कहीं दिक्कत नहीं दिख रही है, पर यहाँ पे जो है आपने फेस के मुकाबले जो इनका हाथ ये थोड़ा सा और लंबा होना चाहिए था फेस के मुकाबले, तो इसमें आपको देखना है और इम्प्रूव करना है। शायद रेफरेंस फोटो भी शायद ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है आपका। और बाकी अगर नहीं है तो आप में जो है ये मिस्टेक क्या है, हाथ और पैर इन सब काफ़ी छोटा हो गया फेस के मुकाबले। फेस थोड़ा और छोटा होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी ऑटो तो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो हम इस ऑटो को भी देख लेते हैं। तो इसमें आपने जो भेजा है ऑटो काफ़ी अच्छा है। इसमें वैसे तो हर एक ऑटो में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक तो होता ही, भले ही छोटा ही हो। और यही हम देख तब पाएंगे जब हम खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम इसमें जो एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तब हम ज़्यादा मिस्टेक ढूंढ पाएंगे। तो अभी तो मुझे तो नहीं लगता, मैंने जितना तक अभी तक प्रैक्टिस किया है उसी हिसाब से इतना जो है मिस्टेक मुझे तो यहाँ इस ऑटो में देख नहीं रहा है। फिर भी आपका ऑटो तो अच्छा ही है, इसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बढ़िया ऑटो है। तो हम इस ऑटो को देख लेते हैं। तो इसमें आपको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या इम्प्रूव करना होगा इसमें, और तो यहाँ पे आपको मिस्टेक क्या है फेस के ऊपर, फेस के ऊपर क्या मिस्टेक है। सबसे पहले आपने शेडिंग अच्छे से नहीं किया है बैकग्राउंड में, कुछ कुछ जगह पे जो है डार्क होना चाहिए तो आपने शेडिंग ही किया है, ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं किया है। या फिर नोज़ के ऊपर जो यहाँ पे अच्छे से ब्लेंडिंग करना चाहिए था आपने शेडिंग करके छोड़ दिया है, तो इसमें आपको इम्प्रूव करना है। अच्छे से शेडिंग करना है हर एक साइड में, इस तरफ साइड से शेडिंग करना है, उसके बाद ब्लेंडिंग करके आप यहाँ पे फिक्स कर सकते थे। और हेयर्स में भी डार्कनेस की कमी है, कमी कहीं 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 जगह पे हाईलाइटेड भी हो गया है, तो इसमें आपको इम्प्रूव करना है, बाकी प्रैक्टिस करते रहो। तो हम इस ऑटो को भी देख लेते हैं। तो इसमें तो मुझे कहीं मिस्टेक तो नहीं लग रहा है, वैसे तो रेफरेंस फोटो मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा मिस्टेक नहीं आप देख सकते हैं। काफ़ी स्किन टेक्सचर काफ़ी अच्छे से इन्होंने ड्रॉ किया है, कहीं भी जो है मिस्टेक नहीं लग रहा है। बहुत टाइम लगा होगा इस ऑटो को ड्रॉ करने के लिए, शायद मैंने तो ग्रेफाइट पेंसिल से बहुत कम ही ऑटो ड्रॉ किया है। बाकी इसमें तो मुझे मिस्टेक आप दिखाने के लिए मेरा इतना हैसियत नहीं है। चलो प्रैक्टिस करते जाओ और हमें भी कुछ सिखाना इस तरह से कैसे स्मूथ टेक्सचर ड्रॉ करते हैं, प्रैक्टिस की कमी है मेरा भी। तो इसमें आपको मिस्टेक क्या है, छोटा छोटा मिस्टेक है, ज़्यादा बड़ा भी मिस्टेक नहीं है, ज़्यादा छोटा भी मिस्टेक नहीं है। या फिर पहला मिस्टेक अगर आप स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो यहाँ पे मिस्टेक है ब्लेंडिंग में, तो स्किन टेक्सचर के ऊपर और अच्छे से ब्लेंडिंग करते तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी यही थोड़ा सा मिस्टेक है और बाकी रेफरेंस फोटो के हिसाब से और थोड़ा सा डिटेलिंग की कमी है, और बाकी आप इम्प्रूव करते रहो आप तेज़ी से आपका स्किल भी इम्प्रूव होगा। बाकी इतना बड़ा जो है मिस्टेक मुझे तो नहीं लग रहा है, प्रैक्टिस करते रहो। तो अब हम इस ऑटो को भी देख लेते हैं। तो ये ऑटो भी काफ़ी अच्छा है, ये कोई नहीं कह सकते ये ऑटो अच्छा नहीं हुआ है। बिगनर्स के हिसाब से आपने काफ़ी अच्छा ड्रॉ किया है,
फेस भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा डार्क शेडिंग में इसमें कमी रह गई और फ्लावर्स के ऊपर और थोड़ा डार्कनेस, जैसे डार्क शेडिंग डिटेलिंग इसमें थोड़ा कमी रह गई, तो इसमें इनको आपको इम्प्रूव करना है। तो ये ऑटो भी काफ़ी अच्छा है, बाकी हर एक ऑटो में कहीं ना कहीं छोटा बहुत तो छोटा बराबर जो है मिस्टेक तो होता ही है, तो वही मैं दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आपका जो है छोटा छोटा मिस्टेक्स है, तो सबसे पहला मिस्टेक ये है कि जो ये हेयर्स है और फेस स्किन फेस का स्किन टेक्सचर है, इसमें थोड़ा सा जो है ये जो हेयर्स इन साइड साइड में आपको थोड़ा सा कॉटन बार से या फिर फिंगर से हल्के हल्के से ब्लेंड कर सकते थे, थोड़ा सा जो है अजीब टाइप का लगता है। इसलिए आपको इन सब में जो है शेडिंग करने के बाद आपको इन लाइन्स में जो है फिंगर से फिर कॉटन बार से ब्लेंड कर देना है। डायरेक्ट जो है ब्लैक से इस तरह से स्किन टेक्चर नहीं दिखता है, ब्लैक से थोड़ा सा लाइट ब्लैक इसके हल्के हल्के होते होते स्किन टेक्चर की तरफ आता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दूसरा छोटा सा मिस्टेक यह है कि आँखें जो है थोड़ा सा अलग तरीके से नीचे की तरफ देख रही है, जैसे रेफरेंस फोटो में उस तरह से नहीं हुआ है। ये जो रेफरेंस फोटो में देखेंगे तो अब ये आँखें जो है सामने की तरफ देख रहे हैं, ये इसमें जो है ये आँखें नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान से देखना है कि किस तरफ की जगह पर हमें हाईलाइटेड पार्ट ऐड करने से रखने से लग रहेगा कि सामने की तरफ देख रहे हैं, उस हिसाब से आपको बैठाना चाहिए। और तीसरा छोटा सा ये मिस्टेक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से देखेंगे तो इस तरफ से फेस का कार्टिंग जो है जिस तरफ से राउंड है, पर इस तरफ से वैसा नहीं हुआ, इस तरफ से थोड़ा सा ऐसा हुआ है। इसमें आपको और थोड़ा राउंड करते हैं तो और ज़्यादा जैसे रेफरेंस फोटो में है उस हिसाब से बन जाता है। इस तरफ से जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा इस तरफ भी राउंड होना चाहिए था, बाकी ऑटो का आपका अच्छा है। तो इन सबको आपको इम्प्रूव करना है। तो आई होप आप लोगों को मैंने जो भी मिस्टेक दिखाया है, आई होप आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी ऑटो रिव्यू करना है तो मुझे अपना ऑटो जरूर भेजना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय सियाराम।